बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितनी ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में बन सकती हैं और किन तरह से उन्हें यूज़ में लिया जा सकता है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन कौन सी टाइप से बनेंगी और किस तरह से इनको यूज़ किया जाएगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्च डेटा के लिए यूज़ की जाती हैं ये मैं बता रहा हूँ, और अब इसको अप्लाई किन फार्मूलों से किया जाएगा सर्च के लिए ये भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ डेवलपर टैब आपको मिल जाएगा। डेवलपर टैब के लिए आप व्यू मेन्यू में राइट क्लिक, कस्टमाइज में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सेटिंग आएगा। यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन में डेवलपर मिलेगा, चेक लगाएंगे ओके तो यहाँ पर ये मेन्यू में आपको ऐड भी मिल जाएगी यहाँ पर, अदरवाइज ये जो है ये ऑन नहीं मिलेगी आपको, व्यू तक होगा। तो डेवलपर में आपको इंसर्ट मिलता है, इंसर्ट में हमारे पास फॉर्म कंट्रोल और यहाँ एक्टिव एक्स कंट्रोल, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं जो ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कॉम्बो बॉक्स है और एक है एक्टिव कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स। तो दोनों में फ़र्क क्या है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा डेटा पर किसी भी काम में सर्च के लिए, अगर हम ड्रॉप डाउन से कुछ सिलेक्ट करते हैं लिस्ट में से और वो डेटा लुकअप हो जाए तो ये मैं समझाऊंगा। तो इसको कॉम्बो बॉक्स को आप सिलेक्ट करें यहाँ पर और आप इसको अपने हिसाब से जो है रिसाइज में ड्रॉ कर सकते हैं, क्लिक कर लें रिसाइज इस तरह से। अब इसमें नाम ऐड करने के लिए जहाँ आपको बनानी है वहाँ पे ड्रॉ कर लें राइट क्लिक, इसमें फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ इनपुट रेंज जिस क्राइटेरिया से आपको डेटा लुकअप करना है। अब यहाँ मेरे पास एक इस तरह का डेटा बना हुआ है तो मैं फर्स्ट कॉलम इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल रेंज, और लिंक सेल में आप कहीं भी एक सेल का लिंक दे दें जहाँ पे हम कोई ड्रॉप डाउन से लिस्ट सिलेक्ट करें नाम, तो यहाँ जो वन नाम होगा अगर सिलेक्ट, तो यहाँ वन है, टू सिलेक्ट करें तो टू, तो कोई भी एक सेल का लिंक और ओके। अब यहाँ पर हम बाहर क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट के बाद जब दोबारा क्लिक तो ये एक्टिव हो जाएंगे सारे ऑप्शन। अब जो भी आप नाम वन सेलेक्ट करेंगे तो जो सेल रेफरेंस दिया है वहाँ वन लिखा हुआ आएगा, तो वन इस जो वन आ रहा है सिलेक्ट करने से इससे हम डाटा को लुकअप करा सकते हैं। और लुकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हेडिंग आप कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ पे, इसकी में फर्स्ट जो आ रही है कॉलम इसको कम कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं फंक्शन ऑफसेट रेफरेंस में फर्स्ट मेन डेटा की जो हेडिंग है वो रॉज नंबर के लिए जो ड्रॉप डाउन से नंबर शो हो रहा है सेल में F4 कर देंगे वो, और कॉलम के लिए कर देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज। सिटी फर्स्ट नाम चैलिस्टन से यही आ गया। अब राइट फिल करेंगे तो जितनी हेडिंग्स होंगी डाटा की उन सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक फार्मूले से। तो ड्रॉप डाउन से किस तरह से हम रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं ये सारी ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये एक काम हमारा हो गया। दोबारा अगर इसको रिसाइज वगैरह करना है चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन दिखाएगा, सिलेक्ट ऑप्शन से रिसाइज मूव वगैरह जहाँ पे आपको चाहिए वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसका एक्सेल एड्रेस लिंक करा है तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से इस जगह पे आ जाए, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ से जो फार्मूले के अंदर हमने लिंक करा है इसकी जगह हम इस सेल को लिंक करके F4 कर देंगे एंटर, और ये वाला सेल मैं हटा रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा हेडिंग्स हमारी सारी इस तरफ आ जाएंगी ड्रॉप डाउन के पास, ठीक है जी। इसको राइट फिल और आगे, अच्छा अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई करना है ना हमें, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे फर्स्ट हेडिंग C1 और 0 और अब कॉलम राइट की तरफ फिल कर लेंगे तो ये सारा डाटा सही हो गया हमारा। तो एक तो फर्स्ट हमारा कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ करके इस तरह से हम फार्मूले से डेटा सर्च बॉक्स बना के लुकअप कर सकते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट एग्जांपल। अब इसके अलावा अगर हम अदर बात करें दूसरा, इसी में हम डेवलपर में ही जाएंगे, यहाँ पर एक्टिव एक्स कंट्रोल है और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ कॉम्बो बॉक्स, इसमें क्या डिफरेंस है इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये भी कॉम्बो बॉक्स ही ड्रॉ होगा हमारे पास, ये कुछ इस तरह का बना हुआ आएगा जहाँ आप सिंपल क्लिक करते हैं उसी स्टाइल में ये बना हुआ आ रहा होता है इस तरह का। अगर इसको रिसाइज वगैरह करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाता है थोड़ा सा, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हमें ये लिस्ट ऐड करनी है, जो भी नाम इसमें ड्रॉप डाउन में चाहिए तो उस लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन के लिए आप
ऑल रेंज जो नाम आपका कॉलम में सेलेक्ट करें, और कोई भी यहाँ डिफाइन नेम में आप नाम दे दें। मैंने डबल ए दे दिया, डेटा दे दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपको चाहिए आप डिफाइन ए बी सी से डिफाइन कर दी। इसको हमने इंटर करा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट फिल रेंज मिलेगा। लिस्ट फिल रेंज में क्या नाम दिया है अपने कॉलम का जो उसमें ऐड कराने, नाम ए बी सी। और सेल लिंक, इसमें भी इसी तरह का एक सेल लिंक कर दें कोई भी। अच्छा, इसमें क्लिक नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। अगर ये नाम क्लियर हो जाए, यहाँ से कॉम्बो बॉक्स वन पे जाएं, लिस्ट सेल लिंक पे आप डी वन लिख दें, डी वन डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी लिस्ट रेंज जो मैंने डिफाइन करी थी, और यहाँ पर डी वन ये आ गया, ओके कर दें इसको। आप इसके ड्रॉप डाउन में जाएँ, अच्छा इसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये अभी एडिटेबल मोड है। एडिटेबल मोड में यानी ये अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए इसका डेवलपर में या डिज़ाइन मोड होता है, इसका चेक ऑन करेंगे। अब ये जब यानी आपका एडिट मोड क्लियर हो जाए, जो आपको नाम ऐड करने था, सेलिंग देना था, तो उसको अप्लाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए डिज़ाइन मोड का चेक हटा देंगे। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से। लेकिन मुझे नाम थोड़े जो है सही नहीं आ रहे, तो डिज़ाइन मोड में एडिट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ बॉक्स को, इस तरह से, ठीक है जी। हम अनचेक, अब इसको ड्रॉप डाउन को खोलेंगे, देखें यहाँ पे नाम आ गए, ये सारे नाम इसमें आ गए जो हमारे इसमें आ रहे थे एक साथ। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जो आपने सेलिंग डी वन मैंने इसका दिया, डी वन क्लिक करेंगे हम, और जैसे मैं नाम से लेकर, अब डी वन सेल पे क्लिक हुआ हुआ है मेरा, ठीक है जी, सेल एड्रेस डी वन। अब ये उधर उसका नाम दिखा रहा है, ठीक है जी। तो जो सेम हमने यहाँ से किया था काम ऑफसेट से, वो अब हम वी लुकअप्स को यूज़ करके कर सकते हैं। अगर इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। अब मैं इसको यूज़ राइट क्लिक करके क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ वी लुकअप। अब डी वन क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू है, जिसके अंदर ये एक्टिव का कंट्रोल का जो है रिजल्ट आ रहा है नाम का, तो हम डी वन क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करके राइट एरो से डी वन पे आ गया। कॉलम वाइज फिक्स करना है, F4 कर देते हैं वन टाइम, फिर कॉमा टेबल एरे रेंज, ये डाटा है ऑल, इसका डाटा सेलेक्ट किया, टेबल रेंज F4, और फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स के लिए जिस सेल में लगा रहे हैं उसके लिए कॉलम नंबर बताना है, तो कॉलम फार्मूला लिख लेंगे। अभी हम फर्स्ट सेल में लगा रहे हैं, तो कॉलम 1 उठाएगा ये, तो फिर कॉमा फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया नाम सिटी का। अब यहाँ से आप राइट फिल करेंगे, कंट्रोल आर, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से जो भी आप ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करेंगे, सांटा फी, इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी डेटा की, उनकी टोटल अमाउंट वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगी। तो एक तो ये कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल, और दूसरा कॉम्बो बॉक्स एक्टिव कंट्रोल की, दोनों की तरीके और टेक्निक्स को मैंने बता दिया। थर्ड और लास्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटा वैलिडेशन लिस्ट होती है, जो सेल बेस्ड लिस्ट कहलाती है। तो हमने ऊपर से एक बॉक्स बनाए हुए ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल बेस है, और ये हम इधर भी बना सकते हैं। जैसे अब ये दो का तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। अब सिटी से लुकअप करना है, तो हम सिटी को बेस करते हुए इसमें ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है, उस सेल पर क्लिक, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ से जाएंगे अलाउ लिस्ट, सोर्स, सोर्स में जिस कॉलम से आपको ऐड कराने नाम वो सारे सेलेक्ट करें। अब ए बी सी मैंने लिस्ट डिफाइन करी थी, तो यहाँ वो कॉलम सेलेक्ट करने में ए बी सी आएगा। अगर कोई नाम आपने डिफाइन नहीं किया होगा, तो फिर सेल एड्रेस A7 से A19 यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो फिलहाल लिस्ट डिफाइन थी, तो ये यहाँ पर इस तरह से खुद ही नाम उठा रहा है, ओके। अब सेम प्रोसेस जो हमने इसके लिए भी लुकअप से किया था, वो काम हम लुकअप से डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड लुकअप वैल्यू, अब उसमें हमें बॉक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, सेल में जिसमें रेफरेंस दिया था वो सेल सिलेक्ट कर रहे थे। इसमें ये डायरेक्ट जिसमें ड्रॉप डाउन बनी हुई सेल क्लिक हो जाता है, क्योंकि ये सेल बेस्ड ड्रॉप डाउन है। तो इसको हम A3 कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा, F4 फिर कॉलम, ऑल डेटा वन टाइम, F4 और फिर कॉलम ऑटो उठाने के लिए कॉलम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच इसमें यूज़ नहीं करेंगे, फॉल्स, ठीक है जी। आ गया उसको जो भी नाम सेलेक्ट है उसकी रीजन वाइज, और उसको राइट फिल कर देंगे, कॉलम एब्सोल्यूट हुआ हुआ है लुकअप, ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। अब जो भी सेलेक्ट करेंगे डेटा, इस तरह से आप लुकअप कर सकते हैं। तो थ्री डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनेगी,
ना पसंद आने की कोई वजह बनती नहीं है। तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी होने चाहिए, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।